नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं दीपक शर्मा के साथ हरियाणा अपडेट डेली न्यूज चैनल। इस चैनल पर जुड़ी जुड़ी बड़ी खबरें मिलती है रोज, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि रेवाड़ी में पेट्रोल 100 रुपये के करीब पहुंच गया है। 34 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 98 रुपये 69 पैसे पहुँच चुका है। डीजल में भी 15 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में भी पेट्रोल 100 रुपये के करीब पहुंच गया है। गुरुवार को 34 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 98.69 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। अब डीजल का रेट भी 90.03 रुपये हो चुका है प्रति लीटर। बढ़ती महंगाई को लेकर गुरुवार को रेवाड़ी के कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने कार्यकर्ताओं के साथ धरोड़ा चुंगी स्थित पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया था। सिर पर गैस सिलेंडर रखकर महंगाई के खिलाफ बैलगाड़ी पर यात्रा की। एक दिन पहले ही पेट्रोल 98.35 और डीजल 89.88 पैसे प्रति लीटर था। वहीं बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। लोग जमकर सरकार को कोस रहे हैं। महंगाई के विरोध में 11 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता गुरुवार के पेट्रोल पंप पर इकट्ठा हुआ। इस दौरान विधायक चिरंजीवी राव ने पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले लोगों से भी समर्थन मांगा। विधायक चिरंजीवी राव ने कहा कि महंगाई से जनता थक चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। हमारी कोशिश है कि हम सरकार को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जगाएं। रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम हर दिन बढ़ रहे हैं, इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। यही हाल रहा तो कुछ दिन बाद पेट्रोल रेवाड़ी में 100 रुपये के पार पहुंच जाएगा। सरकार को तुरंत महंगाई पर कंट्रोल करना चाहिए। आप भी हमें बता सकते हैं अपने कमेंट करके कि आपका क्या विचार है, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और इसको कम करने के क्या उपाय हैं। हमें कमेंट में अवश्य बता सकते हैं। आपकी जो भी राय होंगी हम आगे पहुँचाएंगे।